चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और तालिबा हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है बेटे? असरा शिरीन। असरा शिरीन, कौन सी क्लास में आप? टेंथ। टेंथ। आपको अपने हिचम का नाम मालूम है? हाँ। क्या नाम? शहनाज लतीफ। शहनाज लतीफ, यहीं रहते? तो मैडम नहीं यहाँ पर? ठीक, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जो सो अब आप तरीका तो समझ गए होंगे। हाँ। हम जो किस अंदाज में सवाल करते हैं क्या है, तो आपसे मैं पहला सवाल करूँगा। जंगे अहद में हुजूर सासम के एक चीचा शहीद हुए थे, उनका नाम क्या है? बेटे आवाज़ नहीं लगा, छुट्टी में नकल वो एग्जाम में छुट्टी है, एग्जाम में नहीं मालूम। आप सोचो बेटे ज़रा, आप एक ही चीचा शहीद हुए थे, बहुत मशहूर साहबी है, नाम मालूम होना चाहिए। चलिए आप में से किसी को मालूम है? शहीद हुए थे एक चाचा है आपके, जंगे वहद में बोला था मैं आपको, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके बहुत ही चहते चचा थे और जो सो इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन हिंदा के जो सो गुलाम ने उनको भांजा भाला मारा था, भाले से आप शहीद हुए थे, तो उसके बाद में हिंदा ने आपका कलेजा निकाल कर चपाया था, बहुत मशहूर वाकया है, यह हमें मालूम होना चाहिए। खैर चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपसे दूसरा सवाल करते हैं, आपके पास फिर दो मौके हैं, तो परेशान होने की आपको खतई ज़रूरत नहीं है, आपको जो सो फिर एक मौका है इनाम जीतने का, दो मौके हैं, तो आपसे मैं दूसरा सवाल करूँगा कि हिंदुस्तान का कैपिटल सिटी यानी दारुल हुकूमत उसका नाम क्या है? दिल्ली। सही है, हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कैपिटल सिटी कौन सी है? सही है जवाब, दिल्ली बोले उन्होंने, बराबर है। अरे तो भी जोर से बोलो ना, बिल्कुल सही जवाब। अरे कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने अंदर, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे। ठीक है, चलिए आपने दो सवालों का सामना किया, एक का सही जवाब दिया, एक में आप गलत हुई, लेकिन आप इनाम के हकदार बन चुकी हैं। दूसरा सवाल अगर आप ये जो सही जवाब देती हैं तो आप हमारे दूसरे कुछ उस इनाम की जो सो मुस्तहिक बनती हैं, तो एतमाद पैदा कीजिए, कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए, तो हम आपको दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। मेरे साथ आशा शिरीन है और इन्होंने दो सवालों का सामना किया, एक का सही जवाब दिए और एक का गलत, आज इनके पास और एक मौका है, जो सो मैं चाहता हूँ कि जो सो वो हमारे सवाल का जो सो सही जवाब दे और हमारा दूसरा जो खसूसी इनाम है वो हासिल करें। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा, हमने दो तीन दिन पहले, दो दिन ही शायद, यौम दस्तूर मनाया था, उस दस्तूर के बानी का नाम क्या है, वो दस्तूर किसने तहरीर किया? बी आर अम्बेडकर। पूरा नाम बोलो, सही जवाब है आपका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आप लोग कोई जानते हैं बी आर अम्बेडकर, सही जवाब है ना? फिर जरा आवाज तो निकालो ना जी, वेरी गुड। हाँ, तो हमारे असरा ने कहा कि जो सो बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम किसी को मालूम है? बाबा साहब भीमराव, बाबा साहब अम्बेडकर नाम है उनका। तो उन्होंने जो सो एक छह रुकनी कमेटी के साथ दस्तूर तहरीर किया था, जिसको जो सो आज हम लागू कर दिया गया और ये जो सो दो दिन कबल जो सो जो हमें दस्तूर मनाया गया। तो हमारी इस तालिबा असरा ने तीन सवाल का सामना किया और दो के सही जवाब दिए और हमारे दूसरे खसूसी इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है। मैं जनाब विकार साहब जो यहाँ के जो सो मौलिम हैं और बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वह आएँ, इस तालिबा को इनाम से नवाजे। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, हर तालिबा ताली बजाए। बेटे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इनाम जीतना मामूली बात नहीं है और कोई इनाम जीतता है तो उसकी हौसला अफजाई बहुत लाजमी है। तो जो भी तालिबा हमारे इनाम जीते, खवा वो कहते हैं कि इनाम बहुत माने रखता है, खवा वो काटा क्यों ना हो, गले में लगाते हैं काटा, काटा भी अगर इनाम में मिलता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है,
जबकि मार्केट में खरीदने जाओ 5 पैसे, ये आपके दौर में 4 आने, लेकिन वो 4 आने भी बहुत कीमती अगर इनाम में मिलते हैं। तो इनाम की कदर कीजिए, और जब किसी को इनाम मिलता है तो तालियों की गोद में उसकी हौसला अफजाई कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मोहतरमा नाज मिर्जा साहब यहाँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आपका नाम फाकिहत अजीन। फाकिहत अजीन से हम अपना पहला सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, कुरान मजीद का नुजुल किस तरह शुरू हुआ? कुरान मजीद का नुजुल किस तरह शुरू हुआ, यानी कि कुरान मजीद पूरा एक साथ नाजिल नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके यानी कि आयतों के जरिए नाजिल हुआ, वो किस तरह से मतलब जो आयतें आती थी वो किस तरह आती थी, किसके जरिए आती थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने जवाब दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कुरानी आयतों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया करते थे? किसके जरिए आया करती थी वो? वही के जरिए आया करती थी। हमारा दूसरा सवाल है, तिरंगे में कितने और कौन से रंग होते हैं? तिरंगे में 3 रंग होते हैं, पहला ऑरेंज, सेकंड वाइट, तीसरा ग्रीन। ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, सही जवाब। हिंदुस्तान में सूरज सबसे पहले कहां पर तुलू होता है? सूरज सबसे पहले कहां से तुलू होता है? मगरिब से। मशरिक कहां पर? ऑप्शन से। ऑप्शंस नहीं, ये केबीसी नहीं है हमारा एक प्रोग्राम है इम्तिहान ज़हानत का, बल्कि उसमें हम लोग आपको ऑप्शंस देंगे। ये हमारा स्पॉट प्राइस है, इसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो आप लोगों में से किसी को पता है सूरज सबसे पहले कहाँ तुलू होता है? बहुत ही आसान सवाल है, ये 3rd क्लास का सवाल है। ये एक बात बोल रहे हिंदुस्तान में सबसे पहले सूरज कहाँ तुलू होता है, ये मालूम होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश। तेलंगाना का आबादी के लिहाज से कौन सा मुकाम है? आबादी के लिहाज से तेलंगाना का आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश नहीं। हाँ, तेलंगाना में, तेलंगाना आबादी, तेलंगाना का आबादी के लिहाज से कौन सा मुकाम है? तेलंगाना में आबादी है तो कौन सा मुकाम है, किसी को पता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवा, बारहवा, कौन सा है? जी ये जनरल नॉलेज। 12वां मुकाम हासिल है तेलंगाना को। ये जी के नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने एक जवाब सही दिया है। हमारे रिपोर्टर अफरोज खान आफ्ताब साहब से गुजारिश करती हूँ कि वह आए और इनाम दे। आप लोग को मैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही यानी कि जी के क्वेश्चन ही चाहिए जो आपसे मैं कर रही हूँ, या आपके यानी कि सोशल की बुक से लेकर ये जो जी के यानी कि जो MLAs MPs के जो नाम पूछ रहे हैं आपको, वो भी आपको सोशल बुक में मिल जाएंगे। ये सब आपको बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका नाम? गौसिया जी। गौसिया, गौसिया से हम पहला सवाल करेंगे, कुरान मस्जिद के लफ्जी माने क्या है? कुरान मस्जिद के लफ्जी माने क्या है, किसी को पता है? कुरान मस्जिद के लफ्जी माने हैं
बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। हिंदुस्तान का दस्तूर कब बना? 15। हिंदुस्तान का दस्तूर कब बना किसी को पता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950। क्या यह सही जवाब? सही है। दो तीन दिन पहले हमने यो में सबको मनाया। नवंबर का महीना है, दो तीन दिन पहले यो में सबको मनाया। 26 नवंबर यो में दस्तूर है, 26 जनवरी जो आप बोल रहे यो में जमहूरी आए। इन्होंने हमारे दोनों जवाब नहीं दिए। गौसिया बेगम से हम हमारा आखिरी सवाल करेंगे। इन्होंने हमारे दोनों जवाब नहीं दिए। हमारा तीसरा सवाल है, हमारे जिस्म में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? कुल कितनी हड्डियां? 52 जी, 52। इन्होंने आंसर 52 दिया। क्या ये जवाब सही है? हमारे जिस्म में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 136। गलत। आप में से किसी को पता है? 206। हमारे जिस्म में 206 हड्डियां पाई जाती है। इन्होंने हमारे तीनों जवाब गलत दिए। आपका नाम? सानिया खानम। सानिया खानम से हम हमारा पहला सवाल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे, उस सफर को क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा गए थे, उस सफर को क्या कहते हैं? पता है? नहीं पता है। इन्हें नहीं पता है, किसी को पता है? हिजरत। हमारा दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? मोर। अब आपको आने के लिए गए तो आप फुल कॉन्फिडेंस में आ गए। ठीक है जी, हिंदुस्तान का जानवर पूछो बोल। अच्छा, हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? आप पूछे ना ये क्वेश्चन। हाँ, जी शेर। नहीं, हरन। शेर है, हरन है। हैदराबाद को किस बादशाह ने आबाद किया? इन्होंने अपने सवाल का जवाब सही दिया, हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। किसी को पता है? हाँ, बोलिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को आबाद किया। ठीक है, तो इन्होंने हमारा एक जवाब सही दिया। तो मैं विकास सार से गुजारिश करती हूँ कि वह आए और इन्हें इनाम दे। आपका नाम? फिरदौस बेगम। फिरदौस बेगम से हम सवाल करेंगे। फिरदौस बेगम ने बहुत देर से इतना कॉन्फिडेंस बताया है, तो हम अब देखेंगे कि फिरदौस यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस बरकरार रख सकते हैं या नहीं। तो हमारा पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब, वेरी गुड। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? चीन। चीन, वेरी वेरी गुड।
मजलिस के कुल हिंद सदर कौन से हैं? हैदराबाद एमपी, मजलिस के कुल हिंद सदर कौन से? असदुद्दीन अवैसी, सही जवाब। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेझिझक होकर इन्होंने आंसर दिए हैं। ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। और कोई है जो ऐसा ही सेम कॉन्फिडेंस बताएंगे? बिना डरे और बिना बेझिझक होते हुए हर सवाल का जवाब आसानी से दिया इन्होंने। तो मैं जनाब विकास सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और उन्हें इनके तीनों जवाबों पर इनाम से सरफराज फरमाएं। और कोई? आपका नाम? सिद्रा सुल्ताना। सिद्रा सुल्ताना से हम अपना पहला सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, काबतुल्ला में एक पत्थर नस्ब है जिसको मुसलमान चूमते हैं, उसका नाम बताइए। काला पत्थर। हाँ, काला पत्थर, उसका नाम बताइए। इन्होंने पहचाना सही है, काला पत्थर, पर उसे किस नाम से जाना जाता है? इन्होंने आधा आंसर सही दिया है, काला पत्थर। काला पत्थर तो है, पर उसका नाम क्या है? हुजरे अस्वद। ये सही जवाब है, इन्होंने आधा जवाब सही दिया था। हम इनको इनाम दें या नहीं दें? आप एक क्या बोले थे? काला पत्थर बोले, सही है। कैसा बोलो आप लोग, काला पत्थर कैसा? नहीं, वो पत्थर का कलर ही पत्थर के माने काला है। अस्पत जो है काले रंग को बोलते हैं। सही जवाब है, उर्दू में सही है। अस्पत इसको अरबी लुगत के हिसाब से इसलिए अस्पत है, ठीक है। हिंदुस्तान में एक अजूबा है, उसका नाम क्या है? दुनिया में 7 अजूबे हैं, उसमें से हिंदुस्तान में एक अजूबा है, उसका नाम बताइए। बताइए। किसी को पता है? ताजमहल कहाँ पर है? वो आगरा में वाक़ है। हैदराबाद के मशहूर म्यूजियम का नाम बताइए। नहीं नहीं सुने, आ गया। कुरान मजीद वही के जरिए नाजिल हुआ, वही लाने वाले फरिश्ते का नाम बताइए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सही जवाब है। इन्होंने हमारे दोनों जवाब सही दिए। मैं नाफे सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दें। आपका नाम? तहुरा नास। तहुरा नास से हम हमारा पहला सवाल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम बताइए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हिंदुस्तान में जुमला कितनी रियासतें हैं? 7। 7 रियासत वाला हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान में कितनी रियासतें हैं? 1।
किसी को पता है? 29 सही जवाब है। अमेरिका की खोज किस सयाह ने की? अमेरिका की खोज किस सयाह ने की? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? वास्को डी गामा। ताहुरा ने हमारा एक आंसर सही दिया है। मैं हमारे सर नईम सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दे। हमारा सवाल हम करेंगे, आपका नाम? सना कौशल। सना कौशल से कौन सी क्लास? 8th class। सना कौशल से हम अपना पहला सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी। अमेज़न नदी, क्या ये जवाब सही है? किसी को पता है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा बहर आजम कौन सा है? बहर हिंद। क्या जवाब सही है? बहर आजम मालूम आपको कितने हैं? बहर आजम। 5 है। कौन कौन से? नहीं मालूम। सबसे बड़ा बहर आजम है बहरुल काहिल। ये आपको 5th class में मिल जाएंगे आंसर्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम बताइए। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब? सही है। सही जवाब। इन्होंने हमारे दोनों जवाब गलत दिए हैं, एक जवाब सही दिया है, तो हम इन्हें इनाम देंगे। मैं राना नास टीचर से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दे। आपका नाम? बुशरा बेगम। बुशरा बेगम से हम अपना पहला सवाल करेंगे। कुरान मस्जिद वही के जरिए नाजिल हुआ, वही लाने वाले फरिश्ते का नाम बताइए। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है? सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है? अतारुत। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी कौन सी है? चोटी का नाम, पहाड़ का नाम। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी का नाम मालूम है किसी को? माउंट एवरेस्ट। चलिए, आपने हमारा एक जवाब सही दिया है, तो मैं मोहम्मद विकारुद्दीन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वह आए और इन्हें इनाम दें। आपका नाम? सानिया खानम। सानिया खानम से हम हमारा पहला सवाल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बताइए। अब्दुल्ला। ऐसा नहीं बोलना, हजरते अब्दुल्ला। तेलंगाना का सदर मुकाम कौन सा है? हैदराबाद। सही जवाब। ताजमहल कहाँ वाक़े है? हैदराबाद। ताजमहल, अभी मैं आपको पूछी तो तब दिए जी जी आप जवाब। चांद मीनार। पहले सवाल आप गौर से सुनिए, ताजमहल कहाँ वाक़े है? ताजमहल, चार मीनार नहीं, ताजमहल। देखे उधर नहीं देखेंगे आप। किसी को पता है? आगरा। आगरा का ताजमहल।
खैर इन्होंने एक जवाब सही दिया, तो हम इन्हें मैं श्रावंती मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इनाम देने। आपका नाम? मुस्कान फिरदौस। मुस्कान फिरदौस से हम पहला सवाल करेंगे, आसमानी किताबों के नाम बताइए। कुल कितनी है? चार। चार में से एक बोले, और बोलिए। किसी को पता है इसमें से? बोलिए कोई। इंजील, तौरात, और बोलिए। बोलो बेटा, डरो मत, बोलो। भरत मां परवाह नहीं। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मस्जिद। अब जवाब नहीं दिए, ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है, पता है किसी को? सैयारे का नाम बोलो। मुश्तरी। जिस्म में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। सही जवाब। मैं जनाब कादर साहब से गुजारिश करती हूं कि वो आए और इन्हें इनाम दें। आपका नाम? मदीहा तजीन। मदीहा तजीन, कौन सी क्लास? सेवेंथ क्लास। सेवेंथ क्लास। मदीहा तजीन से हम पहला सवाल करेंगे, कुरान मस्जिद का नजूल किस तरह शुरू हुआ? कुरान मस्जिद का नजूल किस तरह शुरू हुआ? कुरान मस्जिद पूरा नाजिल हुआ एक साथ? नहीं हुआ। कैसा आता था वो? किसके जरिए आता था वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। किसी को पता है कुरान मस्जिद का नजूल वही के जरिए शुरू हुआ? हैदराबाद में मौजूद म्यूजियम का नाम बताइए। सालार जंग म्यूजियम। सालार जंग म्यूजियम। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? परिंदा। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा? पिकॉक। पिकॉक, मोर। पिकॉक सही है। क्या है फिर? पाला पिट्टा, पिकॉक, मोर, सब एक ही है ना? इन्होंने जवाब सही दिया, पिकॉक हमारा कौमी परिंदा है, ठीक है। इन्होंने हमारे दोनों जवाब सही दिए, एक जवाब गलत दिया था। मैं जनाब अफरोज आफताब साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दें।